नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रफीगंज प्रखंड के कजपा पंचायत के उपचुनाव में मुख्य प्रत्याशी के रूप में ममता कुमारी ने अपना नामांकन किया। ममता कुमारी और इनके प्रतिनिधि श्रीकांत कुमार नामांकन करने के उपरांत संवाददाताओं से बातचीत करने के क्रम में कहा कि जनता ने मुझे अगर सेवा करने का मौका दिया तो मैं सभी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है जनता मुझे इस बार सेवा करने का मौका अवश्य प्रदान करेगी। मुख्य प्रतिनिधि श्रीकांत कुमार ने कहा कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और इस अपार हर्ष के साथ जनता मुझे जीत की ओर अग्रसर करके अपने पंचायत कजपा को आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे और सभी अपनी पंचायतों को गली गली और समाज की सामाजिक कल्याण योजनाओं को हर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर विनीता कुमारी ने भी अपना नामांकन किया। बताते चले कि विनीता कुमारी कछवा पंचायत के पिछले विगत 3 टर्म यानी 15 वर्ष मुखिया रह चुकी हैं। इनके कार्यकाल में इनके द्वारा कहा गया है कि विकास का काम बहुत तेजी गति से किया गया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे अगर सेवा करने का मौका दिया तो मैं सभी सरकार की जन कल्याण योजनाओं को घर घर तक पहुँचाने का काम करूँगी। मुझे पूर्ण विश्वास है जनता मुझे इस बार सेवा करने का मौका अवश्य प्रदान करेगी। मुख्य प्रतिनिधि अजय कुमार उर्फ पप्पू कुमार ने कहा कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और इस अपार हर्ष के साथ जनता मुझे जीत की ओर अग्रसर करके अपने पंचायत कछपा को आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे और सभी अपनी पंचायतों को नली गली और समाज की सामाजिक कल्याण योजनाओं को हर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के साथ भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। पहले मैं मुखिया थी कछपा पंचायत की और मुझे कोर्ट के द्वारा पद मुक्त करा दिया गया है और फिर से उपचुनाव हो रहा है तो मैं नामांकन करने आई हूँ और मैं अपने जनता लोग से आशीर्वाद चाहती हूँ कि मुझे फिर मुखिया के पद पर स्थापित करें। 2021 आम पंचायत चुनाव में जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, जनता के साथ, जनता के हर सुख दुख में साथ रहकर मैं कछपा पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि बना था। मेरी पत्नी ममता कुमारी को कछपा पंचायत के महान जनता ने मुखिया पद से पद स्थापित किए थे। बहरहाल विरोधियों द्वारा साजिश के तहत कोर्ट के द्वारा हमारे मुखिया जी को पदमुक्त करा दिया गया था, जिसके कारण आज कछपा पंचायत में उपचुनाव हो रही है और मैं पूर्व की तरह इस बार भी जनता के बीच में रहकर, जनता के सेवा कर और जनता को विश्वास को जीत कर मैं इस उपचुनाव में उम्मीदवारी कर रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे कछवा पंचायत के महान जनता इस बेटा, इस भाई भतीजा को अपने बहुमूल्य वोट देकर आशीर्वाद देने का काम करेंगे। जनता के अदालत में जा रही हैं। अच्छा अच्छा, जनता का क्या प्राथमिकता रहेगा आपका? विकास रहा है और रहेगा, अमन चैन रहा है और रहेगा। प्राथमिकता क्या रहेगा पहला आपका, पंचायत में क्या कार्य योजना कीजिएगा? कार्य योजना सभी प्रकार के कार्य होंगे, सभी प्रकार के विकास के कार्य होंगे। जनता ने आपको 3 टर्म का मौका दिया था, तो चौथे टर्म में भी अजमाइश किए थे और पांचवें टर्म में भी आ गए हैं मैदान में, आ गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या लेकर? जनता का लगाव, जनता का लगाव। कहीं चूक हो गया, जनता हमको निगलेक्ट किए, पुनः प्रजातंत्र का जो नियम और नियमावली है उसके तहत चुनाव हो रहा है, फिर जनता के तराजू पे हम जा रहे हैं। जनता का निर्णय सर्वोपरि है, जनता का निर्णय निर्णायक होगा, उसको सिरोधार्य। वी टाइम न्यूज के लिए औरंगाबाद से प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट।